भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश सरकार की तमाम घोषणाओं एवं कोशिशों के बावजूद घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लहड़ी सरेल के वार्ड नंबर 9 हरिदेवी के लोगों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 में भी शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद बदबूदार पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस गांव में रहने वाले लगभग 75 परिवारों के लगभग 350 लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ आक्रोश की लहर है। वहीं जल शक्ति विभाग के भराड़ी उपमंडल के एसडीओ रविंद्र रणौत का कहना है, एक महीना पहले जहां ये बोर हुआ है वहां पर नजदीक में एक नेशनल हाईवे। वहीं जल शक्ति विभाग के भराड़ी उपमंडल के एसडीओ रविंद्र रणौत का कहना है, एक महीने पहले जहां ये बोर हुआ है वहां पर नजदीक में नेशनल हाईवे 103 पर एक दूध से भरा टैंकर गिर गया था, जिस कारण स्रोत में दूध की पीओडी मिल गई थी। इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया गया था और निरंतर मिलाया जा रहा है और इसके सैंपल लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। हरिदेवी वरड़ा हमारा गांव है, लड़ी सरेल मेरी पंचायत है, डाकखाना डंगा रहा है, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर। और जी हमें यह समस्या है, हमारे नल में पानी काफ़ी टाइम से नहीं आता है, साल बदे हो गए उसमें। हाँ जी, तो हम हैडपम्प से पानी लाएंगे कि हम अपना घर का काम करेंगे। मेरे घर वाला है, वो 65 साल का है, उसकी लत खराब हो गई, वो वजन नहीं उठा सकता है, दिहाड़ी नहीं लगा सकता है, काम नहीं कर सकता है, तो मैं अकेली कैसे काम करूंगी यार, घर का धंधा कैसे चलाऊंगी, कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे काम करूंगी, कैसे दिहाड़ी लगाऊंगी। मैं अब नरेगा के काम में लगी हूँ तो मेरे घर वाला दिहाड़ी नहीं लगा सकता है, मैं इस मजबूरी से नरेगा के काम में लगी है। घर से हम क्या काम मांग करेंगे जी, हम तो यही मांगा था रोजगार हमने, तो उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है, उसमें भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, हमने 6 दिहाड़ियाँ लगाई। मेरा नाम आशा देवी है और गांव पलड़ से अवस्थी हूँ। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? पानी में कितना अच्छा पानी आ रहा है कि पूछो मत, न पशुओं के लिए है, न नहाने के लिए, न खाना पीना, तो क्या है, इतने आदमी बीमार पड़ जाते तो कहाँ जाएंगे। अच्छा पानी आना चाहिए या हमें नया हैडपम्प लगे जाए या कुछ सुविधा नहीं दिए जाए। मेरे लिए 50 आदमी पानी पाना, मेरे को तो बाहर ही नहीं आती, मैं तो हैडपम्प के साथ हूँ, मेरे को बाहर ही नहीं आती। मैं गांव हरिदेवी बलड़ा की पंचायत लैड सरेल तहसील घमारवी जिला बिलासपुर, यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी काफ़ी गंदा आ रहा है, जो भी है नल में आ रहा है एक महीने से। जैसे कि अब हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हेडपम्प गेड़ेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर बारी भी नहीं मिलती। हम जो है दिहाड़ी लगाने जाते हैं नरेगा में, तो हम दिहाड़ी लगाएंगे, घर में आएंगे तो घर में पानी नहीं होगा, तो कैसे घर चलाएंगे, माल पशु भी है कहाँ से पिलाएंगे, बुजुर्ग हैं घर में सभी है, इतनी बड़ी समस्या है। तो हमारे लिए कुछ सरकार और जल्द से जल्द पानी की समस्या का हल करे। कुछ लोगों को तो 1 किलोमीटर का एरिया पड़ जाता है, कुछ लोगों को आधा किलोमीटर का, फिर यहाँ पर जो है ऐसे लाइन में 2-2 घंटे लग जाते, तब एक घड़ा मिलता है। मेरा नाम सन्नी कुमार है और मैं गांव हरदेव बलड़ा का निवासी हूँ। तो हमारी सरकार से विनती है कि हमें पानी अच्छा चाहिए और हमें ऑनलाइन पढ़ाई आ रही है, तो हम कैसे करेंगे, हमारा सारा दिन पढ़ाई में, हमारा सारा दिन पानी भरने में ही चला जाता है, तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, और हमारे मार्च में मतलब पेपर आ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कैसे। पानी की समस्या है, बहुत समस्या है पानी की, पानी में बदबू है और पानी भरने जाते हैं उसे पशु भी नहीं पी रहे उसको। ये समस्या है कि पानी हमारे को जो स्वच्छ आना चाहिए जल्दी से जल्दी, पानी खराब हो तो। हाँ जी, हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।